नमस्कार, रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ टमाटर और मैदा के चटपटे पापड़। आज हम पापड़ बिना धूप के और बिना पकाए बनाएंगे और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। इन चटपटे पापड़ को बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और मैं इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो इन्हें उबाल भी सकते हैं, उबालने के बाद ठंडा करके आप इन्हें पीस लें, लेकिन मैं इन्हें बिना उबाले ही पीस रही हूँ। आप चाहे तो इस टमाटर के अंदर थोड़ा सा अदरक, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो 4-5 गाँठे लहसुन की और 2-3 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इन्हें बारीक पीस लूँगी और ये देखिए मैंने इन्हें काफ़ी बारीक पीस लिया है। अब हम इन्हें एक छलनी से छान लेंगे। हमें इनका बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए, तो ये देखिए मैं इसे छान लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा लगा रह गया है तो इसे थोड़ा पानी डालकर हम धो लेंगे और फिर हम इसे छान लेंगे। मैंने इसे छान लिया है और इसे हम अब एक साइड रख देंगे और एक दूसरा बाउल लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे 1 कप मैदा और इसे नाप लेंगे हम, तो ये 1 कप ही मेरा हुआ है। इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची 1/2 चम्मच और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल लेंगे, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। और अच्छे कलर के लिए 1 पिंच हम इसमें रेड कलर डाल लेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डालें वरना ऐसे भी बना सकते हैं। और 1/4 कप हम पानी डाल लेंगे इसमें और अच्छे से घोल लेंगे। पानी आप देख करके डालें, पानी कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अगर हम कलछी को उल्टा कर लेते हैं और इस तरह से उंगली से लाइन खींचेंगे तो खींच जानी चाहिए, बस हमें इतना गाढ़ा बैटर चाहिए। और ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने एक छलनी रख ली है। हमें इन्हें भाप में बनाना है, तो इस तरह की मैंने कुछ प्लेटें ली हैं। अगर आपके पास प्लेटें ना हो तो आप कटोरी ले सकते हैं, या टिफ़िन पे रखने वाले जो ढक्कन आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इन्हें हम चिकना कर लेंगे इस तरह से और इनमें थोड़ा थोड़ा बैटर हम डाल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, सिर्फ 1 टेबल स्पून बैटर ही हमें इसमें डालना है या 2 टीस्पून। इसी तरह से सभी में मैं डाल लूँगी ताकि हम इन्हें जल्दी से बना सकें और इन्हें हम फिर इस तरह से फैला लेंगे सभी प्लेट्स को। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए सभी प्लेट्स में मैंने अपना बैटर डाल लिया है। अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, उसमें अच्छे से पानी उबल गया है। अब हम एक प्लेट उठाएंगे और इसमें रख देंगे। 2 प्लेट मेरी नहीं आएंगी क्योंकि प्लेट मेरी थोड़ी बड़ी है, तो 1 ही प्लेट को हम रख लेंगे और इस तरह से ढक देंगे। अगर आपकी 3-4 प्लेट आ जाती हैं, जितनी भी आपकी प्लेट आए आपके बर्तन में उतनी आप रख सकते हैं। फिलहाल मैंने 1 ही रखी है और ये देखिए इस तरह से जब आपका कलर डार्क हो जाए तो समझो आपका ये पापड़ तैयार हो गया है। तो इस पापड़ को मैं निकाल लेती हूँ, दूसरा पापड़ मैंने रख दिया है। इस तरह आप किसी स्पून या चाकू की सहायता से इसे हटाएं और ये देखिए ये पापड़ हमारा बन करके तैयार हो गया है। सभी पापड़ इसी तरह से हम बना लेंगे। ये भी आपको थोड़ा मोटा लग रहा है लेकिन सूखने के बाद ये बारीक हो जाएगा। और इस तरह से आप प्लेट में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा भिगोना लिया है, उसमें पानी गर्म कर लिया है और इस तरह से ऊपर से प्लेट ढक दिया है मैंने बैटर डाल करके। और ये देखिए इससे कलर चेंज हो गया है। इस तरह से आपको कलर चेंज होने तक उसे पकाना है और थोड़ी सी देर के लिए हम इसे 1/2 मिनट के लिए बस उल्टा कर देंगे इस तरह से, ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। और ये देखिए हमारा ये पापड़ बन गया है। इसे हम नीचे निकाल लेंगे और दूसरा वाला रख देते हैं। इतने हम इसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से भी ये पापड़ बहुत ही जल्दी बनते हैं और ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए इसे भी हम हटा लेते हैं। तो आप चाकू की सहायता से आप इसे हटा लें। और अब मैं आपको तीसरा तरीका भी बताने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान है और ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए मैंने ये ढक्कन लिए हैं। आपके पास जो भी बोतल वगैरह हो आप उनके ढक्कन ले लें, जिस भी तरह के हो। बस ध्यान रखें जो उनकी प्लास्टिक हो फूड ग्रेड हो। और उनमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से बैटर डाल लेंगे, जिस तरह से हमने प्लेट में डाला था
ये देखिए इस पे और भी जल्दी बन जाते हैं, ये जो मेरे ढक्कन है ये कई एक साथ ही आ जाएंगे मेरी कढ़ाई में। और ये देखिए मैं तीन ढक्कन इसमें रखती है, इसमें देखिए आप ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इतनी देर तक हमें इसे पकाना है जब तक ये अच्छे से ढक्कन हमारे ना दिखने लगे। इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझिए आपके पापड़ बन गए हैं, आप इन्हें निकाल लेंगे। और एक कढ़ाई में मैंने पानी भर के रखा है, उसमें मैं इस तरह से इन्हें उल्टा डाल दूंगी तो ये बहुत ही जल्दी निकल आते हैं। इस तरह से ठंडे हो जाएंगे हमारे पापड़। और इस कढ़ाई में और मैं रख देती हूँ, मैंने कई ढक्कन एक साथ ले लिए थे। तो ये देखिए मैं फिर से इसे कढ़ाई में रख देती हूँ, इसे ढक दूँगी। 2-3 मिनट में हमारे ये पापड़ बन जाते हैं। और जो मैंने कढ़ाई में ये डाले थे इन्हें मैं इस तरह से निकाल लूँगी। थोड़े चाकू या किसी भी नुकीली चीज़ से आप थोड़ा किनारे इनके अलग कर लें और फिर इस तरह से निकाल लें। तो ये भी हमारे बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये देखिए इस तरह से आप उतार लें। इसी तरह से मैं अपने दूसरे ढक्कन से भी निकाल लेती हूँ। प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से मैंने सभी पापड़ों को बना लिया है। ये मेरी जो है फ्रिज की मैट है, इस पर मैंने पापड़ों को निकाल के रखा है और इन्हें मैंने सुखा लिया। आप इन्हें फैन में भी सुखा सकते हैं, धूप में भी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए 2 दिन बाद फैन में सूखने के बाद मेरे पापड़ कुछ इस तरह के हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और ये देखिए कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, जो मोटे लग रहे थे उस वक्त ये सूखने के बाद बहुत ही बारीक हो गए हैं। मेरी उंगलियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं, देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे बने हैं। और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है इन्हें सूख कर, आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। अगर आप इन्हें फैन में सुखाएंगे तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और अगर आप इन्हें धूप में सुखाएंगे तो 2 दिन में ही ये सूख के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पापड़ भून के दिखा देती हूँ। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं आपको पापड़ भून कर नहीं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पापड़ को भून लिया है। पापड़ भूनने के लिए हमारा जो ऑयल है वो मीडियम हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे पापड़ जल जाएंगे और कम होगा तो हमारे पापड़ फूलेंगे नहीं। तो इसी तरह से हम पापड़ को तल लेंगे। तलने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, हम किसी भी पापड़ को तलते हैं तो उसका कलर चेंज हो ही जाता है। इस तरह से मैं 4-5 पापड़ों को तल के आपको दिखाती हूँ। मैंने कई तरह के पापड़ की रेसिपी देखी हुई है, मैं लिंक नीचे दे दूँगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे तल करके तैयार हो गए हैं। और ये बहुत ही अच्छे बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ हैं। बाकी पसंद अपनी अपनी होती है, किसी को कुछ पसंद आता है और किसी को कुछ। तो जो हमारे पापड़ हैं बिना भुने इनसे ये कई गुना बड़े हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर भी डाला था। ये देखिए कितना बड़ा साइज इनका हो गया है, आप देख ही सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।